हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं यार PQRST टेक्निक। क्या चीज है भैया PQRST? हमने रोम्बस सुना था, क्वाड्रिलेटरल सुना था, ये मतलब उसमें तो पढ़ा था, लेकिन ये है क्या चीज? तो PQRST टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप लोगों को बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है ना। क्या है ये टेक्निक, कैसे इसको फॉलो करना है, उस सारी की सारी चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। और ज्यादा लंबा नहीं होगा सेशन गाइस, ट्रस्ट मी 15 से 20 मिनट का ये सेशन है, लेकिन बहुत इफेक्टिव सेशन है ना। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक बार मुझे बता दो क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? क्या आपको ये चांद सा रोशन चेहरा और प्यारी सी आवाज सुनाई और दिखाई दे रही है? मैं जहां रहूं, हाय गुड इवनिंग रिधि, हाय राधे राधे महक जी, हेलो हाय मेघना, हाय सुशीला, राधे राधे, हाय हिरगार्थ, हाय आयशा, हाय बहुत बढ़िया है भाई, अमेजिंग, हाय रोहन, हेलो एवरीबॉडी, हाय सर, हाय कृति, खुशबू मैम को प्रैंक कॉल करिए प्लीज, ओके सलमान खान, ठीक है जी। सो यार अगर आप लोगों को मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो सबसे पहले हिट द लाइक बटन है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को, क्योंकि बहुत अमेजिंग सी टेक्निक है ये और आपके दोस्तों का भी काफी फायदा होगा इसमें। एंड उसके अलावा जो भी बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अमेजिंग यार, हाय श्रावणी, राधे राधे जी। किसी और का भी सेशन चल रहा है क्या अभी? लाइक वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज सो लेस हियर, आई डोंट नो वाई। आ जाओ जी, है ना, चलो यार, है ना, चलो। द्रोना एनरोल कर दिया और मत बता, अरे मिथुन 3 तारीख तक तो डेली बताते रहेंगे हम तुमको, चाहे एनरोल किया हो ना किया हो। हाय सत्या, हेलो। चलो यार, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीजों के बारे में, है ना, देखते हैं कुछ चीजों के बारे में कि PQRST टेक्निक है क्या वैसे। सो बेसिकली PQRST टेक्निक का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों को, सो पी का मतलब होता है बेटा रिव्यू, है ना, और क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, आर का मतलब होता है रीड, एस का मतलब होता है समरी, एंड टी का मतलब होता है टेस्ट। सो PQRST टेक्निक प्रोवाइड्स अ स्ट्रांग बेसिस फॉर एक्टिव लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन रिटेंशन। इस टेक्निक के थ्रू आपकी एक तो लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपको चीजें याद रहेगी और लंबे समय तक वो याद रहेगी, रिटेंशन भी रहेगा उस चीज का, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप याद कर रहे हो ना, वो लंबे समय तक आपको याद रहने वाला है। सो दिस इज द PQRST टेक्निक। अब बारी बारी से समझते हैं कि पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, टी क्या है ना, एस क्या है और टी क्या है। तो प्रीव्यू में क्या है आप लोगों के पास, क्विकली गो थ्रू द कंटेंट, नो the main ideas and topics, उसके बाद this will provide your roadmap for focused learning during your depth study। देखो सबसे पहले आपको प्रीव्यू करना है, और प्रीव्यू में क्या करना है आपको, जो भी आप चीजें पढ़ने जा रहे हो आप उसका एक ओवरव्यू ले लो। ओवरव्यू का मतलब क्विकली गो थ्रू द कंटेंट, आपको डेप्थ में नहीं जाना है। जो जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से टॉपिक्स है आप उनको अपने दिमाग में एक बारी रीड आउट कर लो। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ आता है, रेजिस्टेंस है, और ये है रेजिस्टिविटी है, ये चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, ये है, है ना। तो आप एक बारी एक प्रीव्यू कर लो उस पूरे के पूरे कंटेंट का जो भी आपको चीजों को पढ़ना है, समझ गए, है ना। हेलो हाय यार सबको, हेलो द्रोना कब से स्टार्ट होगा? द्रोना 3rd of January से स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना। सर हर्ष सर ने क्यों वेदांत छोड़ दिया? नहीं तो बेटा हर्ष सर ने कहां वेदांत छोड़ा है, नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो ये प्रीव्यू है आप लोगों के पास। दूसरा है आप लोगों के पास बेटा क्यू, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। अब आप लोगों ने जब एक बारी प्रीव्यू कर लिया और जब आप उस चीज को पढ़ते हो ना, आप क्वेश्चंस करो, जैसे आप लोग जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शायद एग्जांपल दिया है, कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो ना, लेट्स से, तो आप अपने आप से पूछो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, खुद से क्वेश्चनिंग करो। अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसके मैक्सिमम 2 रूट्स हम निकाल सकते हैं, या फिर जिसकी डिग्री 2 होती है।
फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करता हूँ, दिखती कैसे, जनरल फॉर्म कैसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद मैं अपने आप से पूछूंगा क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो, खुद से क्वेश्चंस करो, खुद से क्वेश्चंस करो। इससे क्या होता है ना कि आप लोगों का जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना वो बढ़ती जाती है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप खुद से पूछोगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, खुद से पूछो उन चीजों को, खुद से पूछो, समझ गए। अगर मैं द्रोना क्रैश कोर्स लूंगा बट मेरे प्रीबोर्ड्स 15 जैन से 24, बेटा फिर तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है ना वो। 15 से 24 तक अगर आपके प्रीबोर्ड्स है तो आपका सिलेबस तो कवर होगा, आपको बस 2 घंटा हम लोगों के साथ बैठना है और जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे वो प्रैक्टिस करना है। आप लोगों का अल्टीमेट गोल बेटा प्रीबोर्ड्स नहीं है, आप लोगों का अल्टीमेट गोल आपके बोर्ड्स एग्जाम है, फाइनल बोर्ड्स एग्जाम जो है आप उसके लिए आप प्रिपेयर करो। किसी बच्चे का अगर जैन में प्रीबोर्ड है, यस आप करो उसके लिए प्रिपेयर करो, जितना आता है उतना करो, लेकिन बोर्ड्स के लिए आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। आपकी प्रायोरिटी बोर्ड्स एग्जाम होनी चाहिए, है ना। आप प्रीबोर्ड्स हो गया बेटा, जितना होना था वो, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अगली टेक्निक आपके पास नेक्स्ट जो है वो है बेटा रीड। अब रीड अटेंटिवली, टेक नोट्स एज यू गो अलॉन्ग, हाईलाइटिंग द की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स। जब भी आप रीड करते हो ना नोट्स को, एक तो उसको ध्यान से पढ़ो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझो कि वो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसका क्या कनेक्शन है। जैसे मान लो अगर आपने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, है ना, 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो दोनों में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक श्री धराचार्य फॉर्मूला है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 मेथड्स है, 2 कॉन्सेप्ट्स है, दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, रिलेट करो क्या कनेक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 कनेक्शन मतलब 2 टॉपिक्स के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। सर आज क्लास 9th की क्लास नहीं होगी, होगी होगी बेटा, है क्लास 9th की भी क्लास है, सबकी क्लास है, ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद आप लोगों के पास है बेटा समरी, है ना, PQRS, S का मतलब होता है समरी। अब जो भी चीज आपने पढ़ी है अब उसको समराइज करो। देखो समराइज करने का मैंने बहुत बार आपको एक बेस्ट तरीका बताया, जो भी आप पूरे दिन भर पढ़ते हो ना, जो भी आप पूरे दिन भर पढ़ते हो, आप रात को क्या करो, आप सोने से पहले ना 10 मिनट लगेंगे इसमें, आप ये देखो कि मैंने यार आज मैथ्स में पॉलीनोमियल्स पढ़ा है, पॉलीनोमियल्स में मेरे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, उसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। फिर मैंने ये पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स निकालते कैसे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके ये करो, ठीक है। फिर ये पढ़ो कि अगर कोई सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे दिए गए तो उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। फिर ये याद करो कि आपके पास अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करना है। ऐसे फिजिक्स में मैंने आज क्या पढ़ा है, लाइट पढ़ा है, लाइट में मैंने कॉनकेव लेंस पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इस तरीके से आप समराइज करो और कुछ कुछ इंटरवल के बाद, 2-3 दिन के बाद, जो भी आप पढ़ रहे हो उन चीजों को समराइज करते चलो, करते चलो, करते चलो। सर द्रोना के बारे में एक डाउट है, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो क्या हम उसके रिप्ले देख पाएंगे। बिल्कुल देख पाओगे यार, बिल्कुल देख पाओगे, अरे उसके रिप्ले आप जिंदगी भर देख सकते हो, है ना। हाय खुशी, ठीक है, चलो। अब लास्ट जो टेक्निक है आप लोगों के पास, दैट इज अ टेस्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समराइज किया उसका टेस्ट लो। वीक में एक दिन ऐसा फिक्स कर लो कि यार इस दिन मुझे टेस्ट देना है इस चीज का, इस सब्जेक्ट का मुझे टेस्ट देना, जो मैंने पूरे हफ्ते भर में पढ़ा है, जो मैंने पूरे महीने भर में पढ़ा ना 31st को उसका टेस्ट दे दो, है ना, जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है संडे को उसका टेस्ट दे दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, किसी भी चीज को याद रखने का। अपना टेस्ट टाइम टाइम पे लेते रहो, और सिर्फ टेस्ट मत लो बेटा, उसको एनालाइज भी करो। आप ये देखो, देखो स्कूल में जब हमारा कोई टेस्ट होता है ना, मिड टर्म टेस्ट होता है, प्री बोर्ड टेस्ट होता है, तो बच्चे बस उसको टेस्ट की तरह लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरे अगर 80 में से 40 नंबर आए हैं, ठीक है, टीचर ने 40 नंबर दे दिए और हमें आंसर शीट दिखा रहे, वो आंसर शीट आपको जलील करने के लिए नहीं दिखाता है, वो अगर आपको आंसर शीट दिखा रहे ना तो आपको इसलिए देता है वो, ताकि आप उसको एनालाइज करो, आप समझ सको कि मेरी गलतियां कहाँ पे हुई है, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। लेकिन हमारा यही होता है कि अबे यार अब इसको मैं घर वालों को कैसे दिखाऊंगा 40 नंबर, नहीं, वो उसका मतलब ही नहीं होता है। बेसिकली वो बस आपको ये बताना चाहता है कि यार ये आपकी सच्चाई है, यहां आप गलत कर रहे हो, इसको सुधारो, समझ गए, ठीक है। तो ये आप लोगों का था PQRST टेक्निक, ठीक है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी आप लोगों के लिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी, 10 मिनट और लूंगा, 5 मिनट और लूंगा, फिर उसके बाद खत्म करते हैं सेशन को। एंड इंपॉर्टेंट जानकारी इज दिस द्रोणा। जिन बच्चों को पता है दैट इज वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप लोगों का एक बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से लेके 16th of Feb तक एक बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज द्रोणा, द्रोणा बैच। सो ये द्रोणा बैच में है क्या क्या खासियत है इस बैच की, इस बैच में आप लोगों का फुल सिलेबस रिवीजन करवाया जाएगा चैप्टर वाइज, जितने भी चैप्टर है आप लोगों के पूरे चैप्टर का ये रिवीजन आप लोग करवाएंगे इसमें। उसके अलावा जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा प्लस कॉन्सेप्ट्स, वो सारी की सारी चीजें इस बैच में आपको करवाई जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, सारा कुछ बताया जाएगा। स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ये जो डाउट सॉल्व होंगे ना बेटा, ये आपको अनम्यूट या अनकैम करके होंगे, अनम्यूट या अनकैम करके होंगे। जैसे अभी आप लोग चैट में कमेंट कर रहे हो, लेकिन किसी किसी के मुझे दिख रहे, किसी किसी के मुझे नहीं दिख रहे, बट यहाँ पे ना मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, है ना, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो जो भी आपका डाउट होगा आप उस तरीके से कर सकते हो। इस बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक मेरे साथ और टीचर होगा जो आपके स्पेसिफिक डाउट सॉल्व करने के लिए होंगे, और अगर आपको उनका सॉल्यूशन समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये इस बैच की खासियत है। उसके अलावा जितने भी आपके YouTube टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे साइंस आपको अभिषेक सर, खुशबू मैम एंड निकी मैम पढ़ाएंगी, इंग्लिश ओशन मैम पढ़ाएंगी, SST सुरभि मैम पढ़ाएंगी, और मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सारा कुछ इसी बैच में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये जो बैच है आप लोगों का 2 सेशंस होंगे डेली, डेली आप लोगों के 2 सेशन होंगे, 6 to 7 और 7 to 8। ये आप लोगों के बैच की टाइमिंग्स होंगी, और ये क्रैश कोर्स है बेटा, क्रैश कोर्स है ये, क्रैश कोर्स है ये, है ना, क्रैश कोर्स है। तो इसमें ना अगर 2 महीने लगभग ये बैच चल रहा है, अगर आपने 2 महीने हमारी बात सुन लेना, जैसा जैसा मैं बोलूंगा, जो जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ उन चीजों को करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपके 95+ गारंटेड मार्क्स आएंगे, जितना मैं बोलूंगा आप बस उतना करना, उससे बाहर कुछ करने की जरूरत है। जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जितने क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, इस बुक से ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये चीजें कर लो, ठीक है। इस बैच में आप लोगों को एक पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, है ना, पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे। जैसे यूट्यूब में क्या होता है ना कि आप चैट लिख रहे हो, किसी के मैं पढ़ पा रहा हूँ, किसी के नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई इग्नोर हो जाता है, इग्नोर नहीं कर रहा है, बड़े लोग इग्नोर ही करेंगे, नहीं नहीं अखिल बिस्ट ऐसा नहीं है, जैसे ये अखिल कह रहा है ना कि इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल अटेंशन मिलेगी, दी जाएगी, समझ गए। तो जो भी आप मतलब आप मुझसे बात कर सकते हो, चीजों डाउट्स वगैरह सॉल्व करवा सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। और इस बैच की बेटा कुछ फीस है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे 2 महीने की फीस इसकी बेटा 3,000 रुपए है ना। और अगर मैं 1 मंथ की इसकी फीस देखूं तो 1 मंथ की जो फीस है वो लगभग 1500 रुपए के आसपास है। और अगर आप पर सेशन की फीस देखोगे ना, पर सेशन की फीस जो है वो इसकी लगभग आप लोगों के पास पड़ जाती है कितनी, 40 से 50 रुपए के आसपास पर सेशन की फीस आप लोगों के पास, 40 to 50 रुपीज एक सेशन की फीस पड़ जाती है, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है। एक सेशन, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, विद डाउट्स अगर आपके पास कोई है वो सारे खत्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और यही नहीं, इसके बाद क्या है ना कि जब आप, अगर किसी बच्चे को ये बहुत ज्यादा लग रहा है, ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है इसमें, एक और ऑप्शन है क्या, दैट इज 500 रुपीज पर मंथ, 1 महीने के 500 रुपए बस, यानी कि 1000 रुपए का भी एक कोर्स है। उस कोर्स में क्या है आप लोगों के पास, बस क्लासेस लाइव नहीं होंगी, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे उसमें आपको, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइव सेशंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है वो भी समझ लो बेटा। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देख रहे हो आप, ये लिंक देख रहे हो आप, तो पहला लिंक है ज्वाइन द द्रोणा CBSE 10 क्रैश कोर्स। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो ये आप लोगों को द्रोणा के बारे में पता चल जाएगा। 6,000 रुपए का ये द्रोणा का कोर्स है, लेकिन इसमें मेरा कूपन कोड लगा हुआ है, तो ये 3,000 का आप लोगों को मिल जाएगा 2 महीने के, ठीक है।
अच्छा, और ये ₹1000 वाला अगर आप लेना चाहते हो तो वो यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे बस रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, यहाँ पे आपको लाइव सेशंस, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था, क्या मैं पेपर खत्म होने के बाद उनको देख सकता हूँ, रिप्लेस को देख सकते हो, आप कभी भी देख सकते हो। इवन आप सेशन खत्म होने के बाद भी क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप तब भी लीडर बोर्ड चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये आपके टीचर्स की डिटेल मिलेगी, थोड़ा और नीचे आओगे तो ये आपकी क्लास की टाइमिंग्स है। वेडनेसडे को फिजिक्स है और इंग्लिश है, फिर केमिस्ट्री है थर्सडे को, फ्राइडे को मेरे साथ आप लोगों की क्लास होगी 6 से 7, है ना। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेशन का प्लानिंग है पूरा का पूरा, तो देख लेना यार, है ना। बहुत अमेजिंग बैच है, बहुत मजा आने वाला है इस बैच में। उसके अलावा जब आपका द्रोणा का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जब आप चीजों को सीख जाओगे, तो सीबीएसई क्लास 10th का टेस्ट सीरीज भी है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है। दूसरा लिंक देखो, इसका प्राइस है ₹0, है ना। हर चीज के पैसे नहीं लेते हम लोग, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हेल्प कर सके, है ना। बट द्रोणा में बहुत मिनिमम अमाउंट हमने बहुत कम करके उसको इतना किया, इससे कम अगर हम जाते तो बहुत मतलब भारी नुकसान हो जाता, है ना। तो इसलिए उससे कम नहीं जा पाए हम, बट टेस्ट सीरीज जिसका प्राइस ₹1000 है, वो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करो, बाय नाउ करो, मिल जाएगा, चाहे आप द्रोणा में हो या नहीं हो, ये आपको जरूर मिलेगा। तो इसको तो जरूर ले लेना, है ना। कुछ कुछ चीजें फ्री में भी देते हैं, है ना। तो ये चीज है यार, तो बस यही था यार, है ना। बाकी तो इसको इधर लेकर आते हैं हम लोग, है ना। तो देख लेना, बहुत अमेजिंग सा बैच है द्रोणा, और हर साल हम लोग ये बैच रिलीज करते हैं और बच्चों के अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। आप उसी पेज में ना थोड़ा नीचे देखना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है जी। चलो, सो यस गाइस, बाकी एक बारी मुझे बता दो कैसा लगा आज का सेशन। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी किसी को अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, सेशन के नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में। तो सर, हमारे स्कूल में जनवरी में प्री बोर्ड्स हैं, 2 प्री बोर्ड्स हैं, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। इवन इस बैच में तो आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, एंड एट द एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, क्योंकि कल 31st है, कल संडे है, कल हम लोगों का सेशन हो नहीं पाएगा लाइव, एंड है ना। तो विश आई होप आप लोगों का जो लास्ट मतलब ये साल था अच्छा गया होगा, एंड जो आपका आने वाला साल है वो और भी अच्छा जाए। सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मंडे का सेशन रिकॉर्ड कर लिया मैंने, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे, है ना। और बाकी अब हम मिलेंगे सीधा ट्यूजडे को। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है जी। सेकंड नहीं, लिंक नहीं खुल रहा है, एक बारी फिर से ट्राई करो, रिफ्रेश करके देखो, सब खुलेगा सर, सब खुलेगा। हाय सुरभि, यस यस यस, बिल्कुल याद हो बेटा आप, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। आज मैच का प्री बोर्ड अच्छा गया है, वेरी गुड शिवांगी, अमेजिंग अमेजिंग।